ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। छठ पूजा पर आज पहला अर्घ्य दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत अन्य बड़े नेताओं ने देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने बैंकॉक पहुंचे। पीएम मोदी के इस दौरे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसान सत्यानाश समझौता साबित हो गयी। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और सांसद हुसैन दलवई ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार बनाने पर चिट्ठी लिखी है। हुसैन दलवई ने सोनिया गांधी से अपील की है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना को मिलकर सरकार गठन करना चाहिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता को लेकर मचे घमासान के बीच शिवसेना ने एक बार फिर अपने मुखपत्र सामना के द्वारा बीजेपी पर हमला बोला। शिवसेना ने कहा है कि सरकार के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का राष्ट्रपति शासन की धमकी देना जनादेश का अपमान है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लेकर शिवसेना की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। जी हां, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। उन्होंने कहा कि जनता ने हमें विपक्ष के रूप में चुना है, हम विपक्ष में ही बैठेंगे। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भी प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक बना हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स डाटा के अनुसार लोधी रोड इलाके में PM 2.5 और PM 10 दोनों ही 500 पहुंच गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक सांसों पर धुएं और जहरीली हवा का कहर जारी है। राजधानी दिल्ली में स्कूल बंद करने के साथ हेल्थ इमरजेंसी लागू कर दी गई है। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर आपात बैठक बुलाई। इसके अलावा पंजाब हरियाणा सरकार को पराली पर सख्ती से रोक लगाने को कहा गया है। दिल्ली से सटे राज्यों में तमाम पाबंदियों के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हरियाणा के फतेहाबाद के गांव डाड़ी चेतनपुर में किसानों ने पराली जलाने से रोकने आए अधिकारियों की टीम को बंधक बना लिया। अधिकारियों से बदसलूकी की गई, बाद में मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने अफसरों को बचाया। अब अधिकारियों को बंधक बनाने वाले आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग में वाराणसी में बिजली आपूर्ति में लापरवाही बरतने पर निगम के डायरेक्टर को डिमोट कर इंजीनियर बना दिया है। जी हां, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यह फैसला अंशुल के निदेशक पद पर रहते हुए अपने काम में लापरवाही बरतने के आरोप के बाद लिया है। सरकार के मुताबिक सरकार सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से बिजली देने के लिए कृत संकल्प है और इसमें लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय सेना के एक पूर्व अधिकारी को जासूसी के शक में हिरासत में लिया गया है। पूर्व अधिकारी पर विदेशी जांच एजेंसियों के लिए जासूसी करने का शक है। पूर्व सैन्य अधिकारी से दिल्ली कैंट थाने में आईबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने और भगवान राम की प्रतिमा के निर्माण को लेकर उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 7 बिंदुओं पर चर्चा हुई। अयोध्या के पूरे विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 447.46 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। आपको बता दें कि इस रकम का इस्तेमाल मीरापुर इलाके में जमीन खरीदने में किया जाएगा। सरयू किनारे की जमीन में भगवान राम की 251 मीटर की प्रतिमा लगाई जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। झारखंड में 5 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। इसकी जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने दी। सुनील अरोड़ा ने बताया कि झारखंड में 30 नवंबर को पहले चरण में, दूसरे चरण में 7 दिसंबर को, 12 दिसंबर को तीसरे चरण में, चौथे चरण में 16 दिसंबर, पांचवें यानी आखिरी चरण में 20 दिसंबर को मतदान होंगे। इसके बाद 23 दिसंबर को मतगणना होगी और चुनाव के नतीजे जारी किए जाएंगे। आज बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस यानी शाहरुख खान का जन्मदिन है। शाहरुख आज अपना 54वां जन्मदिन मनाएंगे। कहा जा रहा है कि शाहरुख अपना जन्मदिन अपने फैंस के साथ सेलिब्रेट करेंगे। हर साल की तरह फैंस उनके इस जन्मदिन पर भी उन्हें शुभकामना देने के लिए मन्नत के बाहर इकट्ठा हुए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे A1 न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।